फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं JJ47 के बारे में। तो रिसेंटली हाशिमी साग का JJ47 के साथ जो ट्रैक ड्रॉप हुआ था वो कौन है? तो अभी इस ट्रैक के बारे में हाशिमी साग से Q&A में किसी ने पूछा है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद JJ47? तो हाशिमी साग का कहना है, ही इज अ बिग ब्रदर फिगर दैट आई एम एबल टू शेयर एवरीथिंग विद, सो द प्रोसेस ऑफ वर्किंग वाज इजी एंड द वर्स ही रिकॉर्डेड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट DHH वर्स ऑफ ऑल टाइम, सो या आई एम लकी, JSR जिंदाबाद। तो अब बात कर लेते हैं यासिर खान के बारे में। तो यासिर खान ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि उनका बोहिमिया के साथ कोलैब आने वाला है और यासिर खान ने उस ट्रैक का स्निपेट भी सुनाया था। मैं बाप को ले आऊं उनके, मैं पहली बारी जो तो मिले यासिर वो तो होश में रुसीनी, दूसरी बारी उन फिलिच मैंने दिखी मेरी बीनी, फिर कोई फर्क नहीं ची मैंने कहता ऐलान उन्होंने मामा नु सलाम जिले सरेआम लहदे मेरा नाम पर वो मेरी बड़ा। तो अभी यासिर खान का कहना है कि काफी सारे लोगों ने मैसेजेस कर रहे हैं कि बोहिमिया ने तो बताया नहीं कि उनका यासिर खान के साथ कोलैब आने वाला है और ना कभी यासिर खान की पोस्ट को बोहिमिया ने रीपोस्ट किया है। तो यासिर खान का रिप्लाई आप लोग सुन लो। So I don't know why, but a lot of people have been texting me talking about, oh, बोहिमिया ने तो कभी रीपोस्ट नहीं की स्टोरी, I don't know if the song is coming. Like, you for real right now? Like, do you really think that I need his permission to drop this song? Yeah, mujhe kisi ki bhi permission chahiye to drop this song. No, bro. I'm not one of them. I'll drop this fucking song whenever I want to. Abhi play kar do. Pura ka pura gana. तो अब बात कर लेते हैं हाशिमी साग के बारे में। तो हाशिमी साग ने अपने अपकमिंग ट्रैक का कुछ ऐसा स्निपेट शेयर किया है। उसे लगे कि मैं बाकियों के जैसा नहीं, पर मैं भी कौन सा हूँ सही, जड़ से शराब और कोका है नाक में, लौड़ने हैं अभी वहीं, पर तू तो सबसे सही, या फिर नहीं, या फिर नहीं, या फिर नहीं, या फिर तू वैसे ही जैसे थी तेरे से पहले भी, कर चुका बातें ये पहले भी, तू मेरे गानों की मेलेडी, क्या मेरे गानों को सहलेगी, तू जैसे नसों में है नसी, क्या तू भी भूखी है पैसे की, क्या तुझमें भरी है जेलसी, दुनिया ये देखी है मैंने भी। तो इस पर किसी ने कमेंट किया है, ड्रॉप दैट ईपी हाशिम भाई, यू प्रोमिस्ड लास्ट ईयर आफ्टर रमजान। तो हाशिम इसाक ने रिप्लाई दिया है, यार सॉरी, इस दफा पक्का। तो अब बात कर लेते हैं दीप कलसी के बारे में। तो दीप कलसी की टनल विजन एल्बम में दीप कलसी का एमसी इंसेन के साथ जो ट्रैक था फार अवे, तो इस ट्रैक की म्यूजिक वीडियो आने वाली है जो कि 19 दिसंबर को ड्रॉप हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं मिस्टर दावर के बारे में। तो मिस्टर दावर ने अपना नेक्स्ट ट्रैक अनाउंस कर दिया है, ट्रैक का नेम है पासबान जो कि कल ड्रॉप हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं करण औजला के बारे में। तो करण औजला से रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया है, हु कैन गिव यू टफ फाइट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग? तो करण औजला ने इक्का, कृष्णा और डिवाइन का नाम लिया है। एज अ राइटर, हु डू यू थिंक इफ यू वर टू गो अप अगेंस्ट एनीबॉडी इन द पंजाबी सीन और लाइक इंडियन सीन, हु कुड गिव यू लाइक द टफेस्ट फाइट इन टर्म्स ऑफ जस्ट राइटिंग? इक्का केम इन माइंड राइट अवे लिरिक्स वाइज, कृष्णा, डिवाइन विल बी सिक राइटर। इसके अलावा उमर अंजुम की तरफ से एक सरप्राइज ट्रैक ड्रॉप हुआ है, ट्रैक का नेम है फेज्ड एंड इका की OLGR एल्बम का सेंकिट ट्रैक लाडला ड्रॉप हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।